बस यहीं तक नहीं, मैंने तो उसको अपनी डिक पिक भी सेंड कर दी यार। Where do I even start this? मैं थोड़े टाइम से कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे कोरोना वायरस हो गया है। बट वो वाली पूरी की पूरी अगली वीडियो है, इस वीडियो में उसकी बात नहीं होगी। लेट मी टेल यू आज की स्टोरी, और मैं जो फील कर रहा हूँ वो तुम लोगों को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा। I've been living on this rock, floating in the space called Earth for 23 years now. तो इस दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.89 बिलियन है, और वो लोग जिनकी एज 0 से 18 के बीच में, उन लोगों की पॉपुलेशन है 2.7 बिलियन, और बचे हुए लोग जिन लोगों की एज 18 से ऊपर है वो है 5.2 बिलियन। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में मेल्स 50.43% होता है, जो कि होते हैं 2.6 बिलियन। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल जिन लोगों को मैं डेट कर सकता हूँ इस पूरी दुनिया में वो है 2.6 बिलियन, और मैं 23 साल का हो गया हूँ और आज तक मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और मैं अभी तक सिंगल हूँ। क्या ही बोलूँ, मतलब लाइक और शेयर ठोको बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोको बेटा, दबा के पूरा साल आपके लिए मेहनत करता हूँ बेटा, आप लाइक और शेयर दबाओ। हाँ, तो मैं अभी तक सिंगल हूँ, और मैं इस वजह से बहुत सैड हूँ, मैं इस वजह से बहुत डिप्रेस्ड हूँ, और आई एम सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, आई वांट टू हैव सेक्स, आई वांट टू फक समवन, और मेरी लव लाइफ बिल्कुल डायनासोर जैसी है, नॉन एग्जिस्टेंट। बट आई एम होपलेस रोमांटिक मैन, ऐसी दुनिया में होपलेस रोमांटिक होना सबसे बेकार चीज़ है। अब लेट मी टेल यू गाइस, होपलेस रोमांटिक होता क्या है। A hopeless romantic is someone who, in spite of either always being turned down or not being able to find someone truly compatible with them, still gives effort into the attempt to find themselves a romantic connection, but know that they'll end up hurt in the end. Despite this, they never lose hope of finding the love of their life. Damn, this is me. So basically, hopeless romantic means प्यार में पागल slash प्यार में चूतिया इंसान, kind of. And me being a hopeless romantic, मेरी life को complete करने के लिए I just need a loving, caring, sexy body with a cute face type of girlfriend, और वो भी अभी के अभी, क्योंकि when I'm in love, पूरी पूरी दुनिया feels amazing, being alive feels amazing. एक मिनट, तो अब तुम लोग सोचोगे अगर मेरी गर्लफ्रेंड अभी है नहीं तो क्या मेरी लाइफ बेकार चल रही है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, यूट्यूब, सिंगिंग, गिटार, एनिमे, हेंटाई, पॉर्नहब, एक्स वीडियोस, xnxx.com, यूपॉर्न, स्पैंकबैम, एक्स हैमस्टर्स, बैंक ब्रोस, न्यूविड, पॉर्न एचडी, सेक्स विड, FUQ, XXX, और एक्स बेब, ऐसी बहुत सारी साइट्स और हॉबीज की वजह से आई एम हैप्पी, एंड इट्स रियली एम्बैरेसिंग। इसलिए आई वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड, कम ऑन गाइस, आई नीड अ गर्लफ्रेंड। तो या इट्स डन, आई एम गोइंग टू फाइंड अ गर्लफ्रेंड लाइक राइट नाउ। तुम लोग सोचोगे कि मैं गर्लफ्रेंड ऐसे कैसे ढूंढूंगा, टिंडर नहीं, आई एम गोइंग टू प्ले अ गेम, इट्स कॉल्ड अमंग अस, और वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, वहाँ पे लोगों से अपन बात कर सकते हैं, और वैसे ही मैं अपनी इंटीग्रिटी रखते हुए आई मीन आई विल ट्राई टू फाइंड अ गर्लफ्रेंड अभी के अभी। लेट्स गो, ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू प्ले अमंग अस नाउ, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आई रियली होप कि आई फाइंड माय गर्लफ्रेंड। I got 1, 2, 3, 4 traps and they got asses. I got 1, 2, 3, 4 bags they in the back. And young, he called me up and say he got some shit that ain't whack. I told that bitch to go away and then she start talking back. She sound like Kimi na yo, Kimi na na yo. Moshi ye de kureta, kura yami mo ikaru nara, moshi zora ni naru. Kanashimi wo egao ni mo ukaku sana. I got all these foreign bitches and they on they knees. Call me a rice farmer cause I'm planting seeds. It's hard to tell that they're a trap when they're Japanese. They got small eyes, thick thighs. Man, I hope that bitch buy till she open up them legs and oh my god, is that a guy? MC God is what they call me. All these traps, they really want me. Eat my balls like edamame. Coming fast, you cannot stop me. I got 1, 2, 3, 4 traps and they got asses. I got 1, 2, 3, 4 bags, they in the back. And young, he called me up and say he got some shit that ain't whack. I told that bitch to go away and then she start talking back. She sound like Kimi na yo, Kimi na na yo. Oshiete kureta. Urayami mo ikaru nara. Oshizora ni naru. Kanashimi wo egao ni. Mo ukakusanai de. Ikirameku donna hoshi mo. Kimi wo terasu kara. ओके
Hey guys, I'm so fucking happy right now. मैंने 5 लड़कियों को अपना Instagram दिया था और उनमें से 4 लड़कियों ने मुझे DM किया है. देखते हैं उन चारों में से कितनी गर्लफ्रेंड्स बना पाता हूँ. वैसे भी कोरोना वायरस है यार, मुझे आई डोंट वांट टू डाई, यू नो, स्पेशली बिना गर्लफ्रेंड बनाए अपनी लाइफ में एक तो बनानी है. या लेट्स सी क्या होता है. बस एक प्रॉब्लम है, 4 में से बस और बस एक अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रही है. आई डोंट थिंक शी इज लाइक इन टू मी, आई डोंट नो क्यों, बट इट्स ओके, इट्स फाइन. अभी 3 और है मेरे पास तो. ओ एक मिनट, मैसेज आया है. Did she just fucking send me a nude? Guys. Oh, she's hot. Damn, I'm so happy. I'm so happy. Oh shit. तो अभी बस 3 लड़कियों से मैं बात कर रहा हूँ और पहली वाली लड़की बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे से बात करती है. दूसरी वाली लड़की के साथ मुझे ऐसा लगता है उससे मुझे प्यार हो गया है. वो इतनी अच्छी है और वो इतना केयर करती है मेरे बारे में. पर तीसरी वाली लड़की सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है. वो मुझे समझती है यार और अभी मैं उसके साथ सेक्स चैट कर रहा हूँ. थर्ड वाली बेस्ट है. आई थिंक मैं थर्ड वाली के साथ शादी भी कर सकता हूँ. गाइस अभी तक सब अच्छा चल रहा है बट टाइम ना हर चीज बिगाड़ देता है. अभी 14 दिन है मुझे उन सब लोगों से बात करते करते 3 लड़कियां बाकी थी. पहली वाली लड़की से अब बात ही नहीं हो रही, उसने मुझे सीन पे छोड़ दिया है, आई डोंट नो क्यों. दूसरी वाली लड़की जिससे मुझे प्यार हो चुका था वो आई पर्सनली फील लाइक हम दोनों का प्यार बिल्कुल फेड हो गया है. अब हम दोनों के बीच में वो प्यार नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो सेक्सुअल एनर्जी नहीं है. बट तुम लोगों को लग रहा होगा यही सबसे ज्यादा सैड चीज हो सकती है, जिससे प्यार था उससे प्यार नहीं. बट नहीं, तीसरी वाली लड़की याद है मैंने क्या बोला था. थर्ड वाली बेस्ट है. आई थिंक मैं थर्ड वाली के साथ शादी भी कर सकता हूँ. मेरी किस्मत इतनी बेकार है ना यार कि क्या ही बताऊँ तुम लोगों. अब थर्ड वाली लड़की के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था. मैं उससे हर रोज प्यार प्यार वाली बातें करता, वो इवन मुझे उसके न्यूड्स भी सेंड करते और हर रोज सेक्स चैट होते. यार वो नहीं बोलते लाइक अपने दिल की बात करना किसी लड़की से. एक मिनट, मैं अपने दिल की बात कर रहा था वो एक मिनट, वो लड़की जिससे मैं अपने दिल की बात कर रहा था वो लड़की नहीं, वो लड़का निकली. बस यही तक नहीं, मैंने तो उसको अपने डिक पिक भी सेंड कर दिया. अरे इट्स ओके, अब जो हो गया सो हो गया. अब ऑल आई नो इज देयर इज स्टिल समवन आउट देयर जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है. और नहीं, एक मिनट, प्यार करता नहीं, प्यार करती है. And I just know all I have to do is find her and she will love me forever. हमेशा हमेशा के लिए मुझसे प्यार करेगी. और मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मेरी भी गर्लफ्रेंड बन सकती है. Well guys, उस हादसे को हुआ हुआ 3 दिन हो चुके हैं. I'm totally over it now. And I just wanna let you guys know that I downloaded Tinder. And you know what? I found someone. ये वाली लड़की सच में genuinely बहुत ज़्यादा cute है, बहुत ज़्यादा अच्छी है. अब मैं उसे call करने वाला हूँ तुम लोगों के सामने. और तुम लोगों को पता ही call क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि I really want to listen to her voice. एक बार. अबे क्या हाल है? नहीं यार, फिर से नहीं. कि क्या मैं उल्टा पलट के खड़ा हो जाऊं? यू ये लो.